आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मंच पे बैठे हुए हमारे गुजरात के सम्मानित नेता छोटू भाई जी को, महेश भाई जी को, गोपाल जी को, यशुदान जी को, इंद्रानील जी को और भी बहुत सारे नेता बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। गुजरात में 1 करोड़ से भी ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, उन सभी आदिवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं समझता हूँ इतने सारे टीवी चैनल वाले आए हुए हैं, गुजरात के बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, 6.5 करोड़ गुजरातियों को इस मंच से मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, पंजाब चुनाव जीतने के बाद ये हमारी पहली रैली है, इसके पहले एक हमने रोड शो किया था अहमदाबाद में, पर जनसभा पब्लिक रैली पहली रैली है और वो पहली रैली हम आदिवासी इलाके के अंदर कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ घोर अन्याय हुआ, पहले अंग्रेजों ने चूसा, उसके बाद हमारे अपने लोगों ने शोषित किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पे आप लोगों को विस्थापित किया गया। आज भी एक आदिवासी अपनी 2 जून की रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए तरसता रहता है। गुजरात के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे देश के 2 सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी हमारे देश के 2 गुजरात से आते हैं और हमारे देश के सबसे गरीब आदिवासी भी गुजरात से आते हैं। दाहोद के अंदर, छोटा उदयपुर, अरवल्ली, डांग, कितने इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां उन अमीरों के साथ खड़ी है, ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी, जब तक इन पार्टियों की सत्ता, ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं, हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके लिए रोजगार देंगे। हम अमीरों के साथ नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम आम लोगों की पार्टी, हम अमीरों की पार्टी नहीं है। दिल्ली के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आज मैं गुजरात के लोगों से प्यार मांगने के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि गुजरात के लोग दिल से काम करते हैं, गुजरात के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, गुजरात के लोग अगर एक बार किसी से प्यार करें तो जिंदगी भर प्यार निभाते हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल भी दिल से प्यार, दिल से काम करता है, केजरीवाल भी बहुत इमोशनल है और केजरीवाल भी एक बार प्यार करे तो जिंदगी भर प्यार निभाता है। आज मैं गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ दिल से दिल का रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे गंदी पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मुझे चोरी करनी नहीं आती,
मुझे भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मुझे काम करना आता है। मैंने लोगों से बात की, गुजरात के अंदर इस टाइम स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। अभी अभी महेश भाई भाषण दे रहे थे मेरे को, उन्होंने बताया, यशुदान जी मेरे लिए ट्रांसलेट कर, 6000 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए मर्जर के नाम पे। 6000 सरकारी स्कूल इन्होंने गुजरात के अंदर बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है गुजरात के अंदर, दीवारें टूटी पड़ी हैं, जंग लगे पड़े हैं, टीचर हैं नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7-7, 8-8 क्लासों का स्कूल है और एक ही टीचर है, और कई स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं है। कितने लाख बच्चों का भविष्य खराब है, लेकिन ये बदल सकता है। हमने दिल्ली में बदल के दिखाया है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पहले टीचर आते नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, सरकारी स्कूल टूटे पड़े थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, बच्चे आते नहीं थे। गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। और आज 7 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं, इतने अच्छे बन गए। इस साल 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा। 4 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े डॉक्टर अफसर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अब एक ही डेस्क पे सरकारी स्कूल में, एक ही बेंच पे जज का बच्चा, अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। यह बाबा साहब अंबेडकर का सपना था जो 75 साल में पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। इस साल हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7% नतीजे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में 50% आते हैं, 60%, 40%, दिल्ली में 99%। इतने शानदार स्कूल हैं। और अभी मैं देख रहा हूं, जब मेरा ऐलान हुआ कि मैं यहां आने वाला हूं, ये बीजेपी व्हाट्सएप के ऊपर बीजेपी वाले चला रहे हैं, केजरीवाल के स्कूल खराब हैं, केजरीवाल के स्कूल खराब हैं, केजरीवाल के। छोटू भाई वसावा जी और महेश भाई वसावा जी दिल्ली आए थे अभी थोड़े दिन पहले, हम इनको स्कूल दिखाने के लिए ले गए। छोटू भाई जी पसंद आए कि नहीं आए स्कूल? महेश भाई पसंद आए कि नहीं आए? छोटू भाई महेश भाई हमारे स्कूल देख के आए, हमारे अस्पताल देख के आए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देख के आए, इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा केजरीवाल जी अब गुजरात में भी ऐसे स्कूल अस्पताल बनने चाहिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को भी आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे स्कूल देखिए, आइए हमारे अस्पताल देखिए, आइए हमारे स्कूल देखिए, ऐसे ही मत क्रिटिसाइज कीजिए। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 27 साल में इन्होंने सरकारी स्कूलों का ये हाल कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 5 साल अगर आप और इनको दे दोगे, ये कुछ नहीं करने वाले, ऐसे ही चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये ऐसे ही करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने कुछ नहीं करना, लूटना है केवल। और 5 साल दे दो, गुजरात नहीं सुधरेगा, हमें एक मौका दे दो, हमें एक मौका दे दो। अगर 1-5 साल के अंदर हमने गुजरात के सारे स्कूल ठीक नहीं किए, अगली बार मेरे को लात मार के भगा देना।
गुजरात की भाजपा सरकार ने एक काम तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया में पेपर लीक करने के मामले में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, दुनिया के सारे रिकॉर्ड। आपने गिनीज बुक का नाम सुना है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने सुना कल गिनीज बुक वालों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में वो भारतीय जनता पार्टी का नाम डालने वाले हैं सबसे ज्यादा पेपर लीक करने के मामले में। मैं अभी देख रहा था 2014 में जीपीएससी मुख्य अधिकारी पेपर लीक, 2015 में तलाटी परीक्षा पेपर लीक, 2016 में तलाटी सुरेंद्र नगर गांधीनगर पेपर लीक, 2018 में टीईटी पेपर लीक, 2018 में मुख्य सेविका पेपर लीक, 2018 में नायब चिटनिस पेपर लीक, 2018 में लोक रक्षक दल पेपर लीक, 2019 में गैर सचिवालय क्लर्क पेपर लीक, 2021 में हेड क्लर्क पेपर लीक, 2022 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम पेपर लीक, 10वीं बोर्ड के एग्जाम पेपर लीक, कक्षा 7 का पेपर लीक, सूरत यूनिवर्सिटी का पेपर लीक। गजब सरकार है यार, गजब सरकार है। नहीं, गजब है कर दिया इन लोगों ने। एक मैंने सुना भूपेंद्र पटेल पाटिल साहब एक जगह भाषण दे रहे थे, उन्होंने बोला हम गुजरात को ऐसा विकास देंगे, हम गुजरात को ऐसा कर देंगे, हम गुजरात। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला जी एक पेपर करके दिखा दो बिना लीक किए, तुम गुजरात सरकार बाद में चला लेना, एक पेपर तो बिना लीक किए कर। आज मैं इस मन से चैलेंज करता हूं सारे मीडिया वालों को, बोलता हूं अखबार में छापना आप लोग। मैं भूपेंद्र पाटिल को एक चैलेंज देता हूं, एक पेपर बिना लीक करिए करके वो दिखा दो, हम मान जाएंगे आप लोगों। एक पेपर बिना लीक के हुए तुम करके दिखा दो, हम मान जाएंगे। पेपर लीक करने में इस सरकार ने गजब कर दिया। दिल्ली में हमने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए। आज सुबह सुबह जिस गाड़ी से मैं आ रहा था, हमारा ड्राइवर भी आदिवासी इलाके से था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आदिवासी इलाके में अगर कोई बीमार हो जाए तो आप कहाँ जाते हो? बोला जी कई बार नीम हकीम होता है गांव के अंदर। बोला नहीं तो फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं शहर में, नहीं तो किसी सरकारी अस्पताल में। बहुत बुरा हाल है। सरकारी अस्पताल खराब है कि अच्छे हैं? जिन जिन लोगों को लगता है अच्छे हैं हाथ खड़े करें, जिन जिन लोगों को लगता है खराब है हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दीजिए पीछे, जरा कैमरा घुमा के दिखा दो बीजेपी की सरकार को कि 27 साल के अंदर उन्होंने अस्पतालों का क्या हाल करा है। पहले दिल्ली के अस्पताल भी बहुत खराब थे, बहुत खराब थे, दवाई मिलती नहीं थी, मशीनें खराब थी, टेस्ट होते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर आज इतनी अच्छी व्यवस्था है, हर गली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हम पूरा इलाज मुफ्त दे रहे हैं। आपके घर में कोई छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, आपका अगर 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपका इलाज फ्री में करवाती है। गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? इस बार आम आदमी पार्टी की और बीटीपी की सरकार बनानी है। आज देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर मिल रही है, और दिल्ली के अंदर आज फ्री में बिजली मिल रही है। लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, फ्री में बिजली मिल रही है। दिल्ली के लोगों को फ्री में कैसे बिजली मिल रही है? क्योंकि दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार है। मैं पैसे नहीं खाता, मैं पैसे खाने नहीं देता। हर चीज में मैंने पैसे बचाए, हर चीज में मैंने रिश्वतखोरी बंद कर दी, खूब सारे पैसे बच गए, उन पैसों से मैंने अपने लोगों की बिजली फ्री कर दी। ये बीजेपी वाले मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है।
ईमानदार हूं इसलिए कर रहा हूं, तुम लोग बेईमान हो इसलिए नहीं कर रहे। अब ईमानदारी का एक ही पैमाना है, जो नेता फ्री बिजली करे वो ईमानदार और जो महंगी बिजली दे वो बेईमान है कि नहीं है। गुजरात के लोगों को फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए, कौन सी पार्टी करेगी? आम आदमी पार्टी। आज गुजरात का पढ़ा लिखा युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। दिल्ली में पिछले 5 साल में हमने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया, 12 लाख बच्चों को, सबका वेबसाइट के ऊपर है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, वेबसाइट। 12 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया है, आने वाले 5 साल में 20 लाख और बच्चों को रोजगार देने का प्लान बनाया है। तो आज मैं इस मंच के जरिए गुजरात के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, जो जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो जो युवा अच्छा गुजरात चाहते हैं, केवल आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, सब लोग जुड़ोगे आम आदमी पार्टी के साथ और आइए मिलके एक सुनहरा गुजरात बनाते हैं, आपके रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। आज दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप दफ्तर में जाते हो, सरकारी दफ्तर में राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ये बनवाना है, हर चीज के पैसे देने पड़ते, नहीं पड़ते? दिल्ली में नहीं देने पड़ते, दिल्ली में सारा काम मुफ्त में होता है। कैसे? हमने एक नंबर जारी कर दिया, हमने कहा इस नंबर पे फोन करो, जो काम करवाना है इस नंबर पे बताओ, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आप फोन करो। वहां से वो बोलेंगे जी हम दिल्ली सरकार से बोल रहे हैं, बताइए आपका क्या काम है। आप कहिए मुझे बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है। उधर से वो आदमी कहेगा कि हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए, आपको दफ्तर नहीं जाना, आपको सरकारी दफ्तर नहीं जाना, आपको दलाल के चक्कर नहीं काटने, आप टाइम बताओ, उस टाइम दिल्ली सरकार का ऑफिसर आपके घर आएगा, आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। गुजरात में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोस्तों मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। अगर आपको स्कूल चाहिए, अगर आपको अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, तो हमें वोट दे देना, और गंदी राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, तो उनको बीजेपी वालों को वोट दे देना। मैं पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, कट्टर ईमानदार हूं। इन्होंने मेरी खूब इंक्वायरी कराई, केंद्र सरकार ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई, इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, मेरे दफ्तर पे भी, मेरे घर पे भी, इनको कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैं छाती चौड़ी करके आपके सामने खड़ा हूं, अगर इनको कुछ मिल जाता तो मेरी भी फाइल खोल के रख लेते और मैं भी इनकी नाक के, इनके पैर के नीचे होता। आज मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कट्टर ईमानदार हूं, कट्टर देशभक्त हूं। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, शरीफ लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कट्टर देशभक्त लोगों की पार्टी है। आज मैं सभी युवाओं को अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैं महिलाओं को अपील करता हूं, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, अगर आप वापस इन बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को वोट देते रहे, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला, और 5 साल खराब हो जाएंगे। आज मान लो आपका बच्चा 10 साल का है, अगले चुनाव तक 15 साल का हो जाएगा, अगले चुनाव तक 20 साल का हो जाएगा, उसका तो भविष्य खराब हो जाएगा। टाइम कम बचा है, इसी बार इसी चुनाव के अंदर इन पार्टियों को खाड़ के फेंकना और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। मुझे कभी जहाज में जब आ रहा था दिल्ली से, एक बीजेपी का नेता मिला, उनसे मैं बात करने लगा। मैंने कहा कि आप लोग गुजरात में कुछ काम क्यों नहीं करते, जब हमने दिल्ली में 7 साल में इतना काम कर दिया तो तुम लोगों ने 27 साल में क्यों नहीं किया? बोला सर हमें काम करने की क्या जरूरत है, हमारे को तो वैसे ही सत्ता मिल रही है, लोग वोट दे रहे हैं, हम क्यों काम करें? बोला कांग्रेस हमारी जेब में है, कांग्रेस के सारे नेता हमारी जेब में है,
कोई भी नेता चाहे कांग्रेस की टिकट पे लड़े चाहे बीजेपी की टिकट पे लड़े, हम जब चाहे सारे कांग्रेस वाले हमारे पास आ जाते। बोला हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार। तो मैं आज गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार इनका घमंड तोड़ दो, एक बार इनका अहंकार तोड़ दो। इनका घमंड तोड़ने के लिए ही चाहे एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। हमारा काम पसंद नहीं आए तो अगली बार इनको दे देना, लेकिन एक बार इनका बनता है। इन लोगों को, इनको बहुत अहंकार हो गया। और मैंने सुना है कि गुजरात के चुनाव जल्दी होने वाले हैं, सुना आप लोगों ने भी? खूब चर्चा हो रही है गुजरात में भी, दिल्ली में भी, कि वो आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं। पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात की बारी है, है कि नहीं है? अब गुजरात में सरकार बनाएंगे तो वो कह रहे हैं इनको टाइम मत दो, दिसंबर तक इनको टाइम मिल गया तो ये स्वीप हो जाएगा गुजरात। वो कह रहे हैं अभी चुनाव करा दो। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम फक्कड़ आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का साथ है और जनता का प्यार है। ऊपर वाला हमारे साथ है, हम सच्चे रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। ऊपर वाला हमारे साथ है, हम ईमानदार लोग हैं, जनता का साथ है। तुम आज चुनाव करा लो चाहे 6 महीने बाद चुनाव करा लो, इस बार तुम्हारा पत्ता साफ है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस तो अब खत्म है, है कि नहीं है? कांग्रेस का तो अब कुछ नहीं बचा, तो कांग्रेस को वोट देना भी बेकार है। और कांग्रेस के जो अच्छे नेता हैं, उन अच्छे नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, आ जाओ आम आदमी पार्टी में आ जाओ, मिलके गुजरात ठीक करेंगे। जो गंदे नेता है वो वहीं रहो, जो अच्छे नेता है वो इधर आ जाओ। बीजेपी के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, बीजेपी में रहोगे गुजरात बर्बाद हो रहा है। अब गुजरात की सोचो, देश की सोचो। ऊपर वाले ने आम आदमी पार्टी बनाई, देश की जनता ने आम आदमी पटाई अब बनाई है, अब गुजरात को बदलने की बारी है। गुजरात के बीजेपी के भी जो अच्छे नेता हैं वो भी अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। मैं छोटू भाई वसावा जी को, महेश वसावा जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज इस सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आदिवासियों के इतने बड़े नेता आज साथ जुड़े, हम मिलके, छोटू भाई जी, महेश वसावा जी, हम सब मिलके अब गुजरात को बदलने का काम करेंगे। एक चीज मेरे मन में खटक रही है जब से मैं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है गुजरात का? सी आर पाटिल। वो कहां का रहने वाला है? महाराष्ट्र का रहने वाला है। महाराष्ट्र बीजेपी वालों को 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में एक अध्यक्ष बनाने के लिए आदमी नहीं मिला। इतनी बड़ी बेइज्जती गुजरात के लोगों की, भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष बनाने के लिए 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में से काबिल आदमी नहीं मिला इन लोगों को। इससे बड़ा अपमान किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। महाराष्ट्र से चलाएंगे ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र के आदमी से गुजरात चलाएंगे ये लोग। गुजरात की जनता ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव को क्रांति में बदल दो। इस बार चुनाव नहीं होगा, इस बार नए गुजरात की नींव रखी जाएगी। दोस्तों, भारत माता की जय जोहर, जय जोहर।